अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं आकर्ष ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ यूं है कि आज है शयान का सवा महीना और ये हम लोग दूसरे घर में कर रहे हैं, डेकोरेशन वगैरह भी कर रहे हैं, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। चले मैं आपको दिखाता हूँ, डेकोरेशन वगैरह थोड़ी बहुत हो गई थी, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। तो इस वॉल पे डेकोरेट करेंगे, बाकी यही बलून्स वगैरह ये हैं, थीम गोल्डन और ब्लैक की है। जिस तरह मैंने अपनी बर्थडे पर आर्क बनाई थी, इसी तरह की आर्क बनाएंगे। बाकी ये असेंबल भी करना है झूला, तो साथ साथ मैं बनाता रहूँगा वीडियो। बर्थडे पर मैंने यही करा था, आर्क बनाई थी, सारी उंगलियाँ ख़राब हो गई थी, तो आज भी होने वाली हैं, थोड़ी सी बनानी है, बाकी बनानी है। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, अभी घर के अंदर और भी काम चल रहा था, तो उसका शोर भी होगा तो आप लोग इग्नोर कर दिएगा। बाकी मैं जो है वो आर्क बना रहा हूँ। मैंने काम अभी स्टार्ट किया था क्योंकि मैं लेट आया था, जितना काम अभी हुआ हुआ है वो सारा असद कर चुका था मेरे आने से पहले। और आज मुझसे ये गलती हुई कि मैं रिंग लाइट लाना भूल गया, जिसकी वजह से मैं टाइम लैप्स नहीं बना सका। जब मैं इसकी नॉट बांधता हूँ ना तो हाथों में काफ़ी लगती है, तो उस वजह से सारी फिंगर्स ख़राब हो जाती हैं। मैं काम ही कर रहा हूँ, करते हुए आधा घंटा हो गया ये बलून में आर्क बनाते हुए। इतनी आर्क कंप्लीट हो गई है, अभी ये बलून बाकी हैं, ये लगा के फिर लगा देंगे। आर्क हो चुकी है, आर्क लगा रहे हैं, तो लगाने के बाद दिखाता हूँ, क्योंकि रिंग लाइट लाना भूल गया हूँ तो मैं मोबाइल रख नहीं सकता मैं कहीं। तो डेकोरेशन हो गई है कम्प्लीट, अभी गंदगी हो रही है, सफाई हो जाए उसके बाद मैं घर का विजिट करवाता हूँ। तो हम मेन डोर से अभी एंटर हो रहे हैं, ये है सहन। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट रूम की तरफ। तो ये पहला कमरा है, सामने अटैच वॉशरूम और एक गैलरी है। अब हम दूसरे रूम की तरफ जाते हैं, तो ये सेकंड रूम है जिसमें सामने अटैच वॉशरूम है और गैलरी है, लेकिन यहाँ से दरवाज़ा नहीं दिया हुआ। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं डेकोरेशन भी दिखाऊंगा तो कमेंट में बताइए कैसी लगी डेकोरेशन। तो ये किचन है, बड़ा प्यारा सा बना हुआ है किचन, मुझे बहुत पसंद आया। तो अब मैं उस रूम की तरफ जा रहा हूँ जहाँ हम लोगों ने अभी डेकोरेशन करी है। तो फाइनली दिखा दी मैंने डेकोरेशन, तो जल्दी से मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको डेकोरेशन। मैंने आके आर्क बना दी थी, बाकी काम सारा असद ने किया लगाने का, और बलून्स वगैरह उसी ने फुलाए। बाकी ये वो झूला है जो हम लोगों ने वहाँ से बाई किया था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया, और इसके ऊपर हम लोगों ने अभी बलून्स वगैरह लगा दिए ताकि बच्चे आएंगे अभी तो वो इसके ऊपर बैठे हैं ना। बाकी एक हमने ये गाड़ी ली थी, फरारी। तैयार होने में दुर्घटना चला गया था, फिर जाकर मैं तैयार वगैरह हुआ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करने का, तो फिर मैं तैयार वगैरह होकर यहाँ पर आ गया। तो फिर यहाँ पर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया। अब ये हुआ है सीन के ब्लॉग में बहुत छोटा था बनाया, मैंने सोचा था बनाऊंगा सारी चीज़ों की, बट मैं रिग्लेट करना भूल गया था पहले, तो पहले वाली वीडियो बनाई चला क्योंकि मोबाइल रखने की जगह ही नहीं थी यहाँ पर, तो इसलिए फिर छोटे छोटे क्लिप्स बने। तो अब सोच रहे ब्लॉगों में कल कंटिन्यू करूँ खेलने जाने के लिए। लास्ट संडे मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब पिछले संडे मैंने बनाया था तो मेरा बैटिंग फोकस बिल्कुल भी नहीं हुआ था, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा था मैं वहाँ के नहीं बनाऊंगा। बट जब लास्ट संडे मैं खेलने गया तो वो सब मिला नहीं बना रहा था, लेकिन फिर जल्दी आउट हो गया मैं, तो अब ये सोच रहा हूँ बना लूँ शायद की है, देखा जाएगा। है मैं आपका बेबी हूँ क्या? आपने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ है, मैं आपका बेबी हूँ क्या? दोबारा फिर से गिरा दिया आपने, फिर से गिरा दिया, फिर से गिरा दिया। आपने मार दिया। अच्छी तो थैंक यू राफेन, कहाँ खेल लो, ये लो ये लो। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, कहाँ खेल लो कहाँ खेल लो। हाँ भाई राफेन, राफेन कहाँ लेके जा रहे हो, वहाँ कहाँ? हाँ वहाँ कहाँ जाना है?
बताइए कहाँ जाना है, वहाँ बोलिए कहाँ जाना है, कहाँ हुआ कहाँ हुआ बताओ तो। लॉक खोलना है आपको, ये लॉक खोलना है, ये खोलना है आपको, ये खोलना है, हैं क्या करोगे ये खोल के? टाटा जाना है आपको, हैं बताओ, पहले पहले बताओ टाटा जाना है। अरे तो खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा ये तो। अरे नहीं खुल रहा, सच्ची में नहीं खुल रहा, अरे नहीं खुल रहा, सच में नहीं खुल रहा। हाँ अब बताओ क्या करना है, क्या करना है, लॉक खोलना है, खोलो लॉक, खोल दो। ओए बदमाश आदमी, ओए ये क्या किया हमने, खोल दिया। टाटा कर दो सबको, टाटा कर दो सबको। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, लॉगिंग हो रही है आपकी, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, यहाँ पर खेल ले, क्या खेल रहे हो, ऐसी कोई गेम खेल ले तो। खाना वाना लग गया है, खाने वगैरह से अभी सब फ्री हो गए तकरीबन, कुछ कुछ लोग खा रहे हैं तो बाकी मैं खाना भी दे रहा था और साथ में इन भाई साहब को भी संभाल रहा था, तो एक हाथ से खाना दे रहा, एक हाथ से संभाल रहा हूँ क्योंकि सब खाना खाने बैठे हुए हैं। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है, थकन बहुत हो गई है, आज सुबह से ही उठा हुआ था मैं, आज जल्दी उठ गया था तो सुबह से ही लगा हूँ कामों में और स्टिल काम कर रहा हूँ, खाया भी कुछ नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। थकन तो वाकई बहुत हो गई है, अब कल खेलने भी जाना है, मज़े की बात। बस मैं दुआ कर रहा हूँ रात में मुझे नींद आ जाए क्योंकि सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा और खेलने जाना है। तो आज भी नहीं सोया क्योंकि वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैं सुबह 2 घंटे सोया हूँ बस, फिर 12 बजे मुड़ गया था। तो ये सीन रहा है, यहाँ पर आवाज़ बहुत गूंज रही है, पूरा खाली कमरा है तो आवाज़ बहुत गूंज रही है, तो अभी करें एडजस्ट, क्या कर सकते हैं भाई। एडजस्ट मैंने ले ली थी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए और यूट्यूब के थंबनेल के लिए, बाकी मैंने ऐसे ही टिकटॉक बना दी थी, सोचा आप तो शेयर करें। मैं मार्केट आया हुआ हूँ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मेरे घर में 2-3 फंक्शन एक साथ आ रहे हैं, ये शॉप बंद थी अभी अभी खुली है तो ये अभी शॉप को रेडी कर रहे हैं। फिर सबसे पहले मैं इस शॉप पर आया था लेकिन ये शॉप उस वक्त बंद थी, तो मैं आगे चले गया, वहाँ से मैंने एक पैंट और एक शर्ट ली लेकिन वो मैं उसका ब्लॉग नहीं बना सका, मैं भूल गया था। तो फिर मैं अगेन यहाँ पर आया, शॉप जब तक खुल चुकी थी, तो अभी मैं यहाँ से जैकेट ले रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ मैंने इनसे निकलवा ली थी जिसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, लेकिन मुझे ब्लैक कलर की जैकेट पसंद आई, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ब्लैक जैकेट ये वाली देखिए, ये वाली समझ में आ रही है ब्लैक जैकेट, लेकिन प्राइस कम ही नहीं कर रहे, अभी करवाते हैं इनसे प्राइस कम। मैं वो ले चुका था जैकेट, सिर्फ जैकेट ली मैंने क्योंकि डेनिम और वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो यार संडे को मुझे जाना था खेलने, बट सीन ये हुआ, सैटरडे हमारा फंक्शन था 1.25 महीना, तो फ्राइडे नाइट मैं सोया नहीं था, सुबह 10:30 बजे तक मैं एडिटिंग करके मैं सोया हूँ, 12 बजे में उठ गया था, 12 बजे के बाद से लेकर रात तक मैं काम कर रहा था, वो फिर मैं जाके सोया 3 बजे, तो फिर मेरी आँख ही नहीं खुली तो मैं खेलने जा ही नहीं पाया। फिर मैं वो उठा दिन में 3 बजे, तो फिर ज़ाहिर है फिर मैं ब्लॉग कम्प्लीट कर नहीं पाया, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाले शॉर्ट्स फिर मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर लिए ताकि फिर मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट करके जल्दी से अपलोड कर सकूं। तो आज इस ब्लॉग का एंड हो जाएगा, फिर मैं ये ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। यार मैं ये ब्लॉग एंड करने ही लगा था, मैंने सोचा चलो अभी मैं बना रहा हूँ खाने के लिए कुछ तो वो भी ऐड कर लूँ, उसके बाद फिर एंड करते हैं। तो अभी सीन ये है, गैस नहीं आ रही क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और गैस नहीं आ रही, गैस आएगी सुबह 5:30 बजे तक। तो अभी मुझे बनाना है ओवन में, तो ये मेरे लिए बड़ा टास्क है कि मैं ओवन में क्या बना के खाता हूँ क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो खुद बनाना है, क्या बनाना है कैसे बनाना है वो देख। तो यार सीन ये है अभी कि मैं कर रहा हूँ चिकन बॉयल, कैसे गैस तो आ रही, तो मैं ये ओवन में बॉयल कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। यार ये अभी चिकन मैंने निकाल ली थी बट ये मुझे कम लग रही है तो मैंने अभी और निकाली और ये बर्फ़ हो रही है, तो इसको निकालना एक अजाब, इसको निकाल के फिर मैं इसमें डालूंगा, फिर इसको मैं ओवन में रख दूंगा। तो इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर ली है, अब इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में, तो इसको ओवन में रख के अभी टाइमर लगा के छोड़ देंगे, फिर जब तक ये रेडी होता है तब तक आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो यार तभी मैं आप लोग से बातें करने लगा था, मैंने वीडियो ऑन करी है और रिंग लाइट जो ऐसे ही पीछे गिरी है धड़म करके, तो वो मैं लगा दूंगा अभी शॉर्ट आपको। तो ऐसा सीन हो गया भाई, मुझे तो लगा गई बंद, गिरते मुझे लगा बंद हो जाएगी लेकिन सही है, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। यार जब तक चिकन बॉयल हो रही है तब तक इसके बाकी काम करे, तो मसाले वगैरह निकाल लेता हूँ मैं और प्याज वगैरह काट लेता हूँ, प्याज खीरा वगैरह।
तो यार ये प्याज खीरा मैं काट चुका हूँ, तो अभी चिकन बस बॉयल होने में थोड़ी सी देर रह गई है, आई थिंक 5 मिनट में हो जाएगी। तो फिर चिकन को निकाल के, अच्छा बनाना क्या ये तो मैं बता ही नहीं, बर्गर बना रहा हूँ तो उसमें मसाले वगैरह डाल के, ये डाल के केचप मेयोनीज लगा के वो तैयार करता हूँ, वो दिखा के फिर ब्लॉग एंड करता हूँ। इन बन के ऊपर मैंने एक ज़बरदस्त सी मेयोनीज की लेयर लगा दी है, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर चिकन डाल दी। मैं एक हाथ से काम नहीं कर सकता, दोनों हाथ से कर रहा था, तो इसलिए मैंने डालते वक्त की वीडियो नहीं बनाई। चिकन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर केचप डाला और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड करी। प्याज ऐड करने के बाद बारी आती है खीरों की, खीर ऐड करके मैंने उसको कवर कर लिया। तो इस तरह मेरे बर्गर तैयार है। ये बर्गर भाई रेडी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वो वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।